Come on, students. This is our second session of class 11th economics on the topic introduction. बच्चों, हमने पिछले क्लास से अपनी 11th क्लास की पढ़ाई शुरू की थी और उस समय हम लोगों ने आपके साथ पांच टॉपिक डिस्कस किया था. इससे पहले कि मैं आज का क्लास शुरू करूं, मैं एक बार उन्हीं टॉपिकों का आपको ब्रीफ में रिकैप देता हूं. जब मैंने चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था बच्चों, तो मैंने सबसे पहला कंसेप्ट आपको दिया था इकोनॉमी क्या है. और इकोनॉमी का डेफिनेशन है, इट इज स्प्रेड ओवर अ एरिया व्हिच प्रोवाइड पीपल मींस टू अर्न देयर लिवलीहुड. किसी क्षेत्र में वहां के लोग किस प्रकार से अपने जीवन का रोजी रोटी कमाते हैं, उसे इकोनॉमी कहते हैं बच्चों. और इकोनॉमी के बाद नेक्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक था, मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस किया था, वो स्कैर्सिटी था. इट इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड. जब हम ये कहते हैं बच्चों कि इकोनॉमी में डिमांड बहुत अधिक है और उस डिमांड को सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इट मींस डिमांड इज मोर देन सप्लाई, सच सिचुएशन लीड्स टू स्कैर्सिटी. और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, गर्मी के दिनों में पानी और बिजली स्कैर्स हो जाता है. स्कैर्सिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. देखो बच्चे, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और उस अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस स्कैर्स या लिमिटेड होते हैं. इसी कारण से हमारे रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूजेस होता है. हमें अपने वांट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, सिलसिलेबद्ध ढंग से अरेंज करना पड़ता है कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्स से अपनी किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करूं, किसकी बाद में. तो इसका डेफिनेशन बनता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, हाउ ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स आर फुलफिल्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेस हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. और लास्ट टॉपिक जो पिछले क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की मैंने बात की थी. और यहां पर मैंने इकोनॉमिक्स को दो बड़े स्तर पर, दो बड़े पैमाने पर बांटा था बच्चों. और पहला पार्ट मैंने टच किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके विपरीत मैंने आपसे डिस्कस किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल या स्मॉल यूनिट इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की छोटी इकाई से जो डील करता है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसी कारण से इसका स्कोप लिमिटेड होता है और डिमांड सप्लाई और इंडिविजुअल इनकम इसके उदाहरण बताए गए थे. वहीं दूसरी तरफ जब आप इकोनॉमिक्स को लार्ज स्केल पर एज एन एग्रीगेट और एज अ होल पढ़ते हैं, उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम. और इसका स्कोप बहुत ही वाइड या विस्तृत है. और फिर इकोनॉमी को रन करने के तीन पद्धति मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. पहला था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं बच्चों. इसमें प्रोडक्शन के रिगार्डिंग सभी डिसीजन गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा ली जाती है. और वहां दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं बच्चों मार्केट इकोनॉमी की, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं. यहाँ डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन इज मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर और फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. और जब इन दोनों अर्थव्यवस्था को हम मिला देते हैं, मैंने वर्ड यूज किया मिला देते हैं, तो उसे हम लोग एक नई तरह की इकोनॉमी को जन्म होती है, जिसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं. यहाँ पर सेंट्रली प्लांट और मार्केट इकोनॉमी को एग्जिस्ट करता है. को एग्जिस्ट करने का मतलब है एक साथ चलता है. और इसके लिए कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि भारत इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जिसके अंदर अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ही देखोगे तो एक तरफ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, स्टेट रन स्कूल्स हैं, इट इज डन एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. वहीं दूसरी तरफ डीएवी, डीपीएस, बाल भारती, एपीजे प्राइवेट स्कूल हैं, इट इज डन बाय द प्राइवेट बॉडीज. सो इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी है. तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत चलाया जा रहा है. इकोनॉमिक्स में आप क्या देख रहे हो कि कुछ जगह पर सरकार का रोल है, नियंत्रण है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ नियंत्रण प्राइवेट बॉडीज के हाथ में है. और जब दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली रन करता होता है, इसे हम लोग बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. यहां तक हमने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था. और बच्चों, यहां से इसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जिसमें आज का पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे,
what are another two methods of measuring economics? The one is positive economics and the other one is normative economics. Economics ke do aur pehlu main aapke saath ab discuss karne ja raha hu. Pehli taraf hai positive economics aur dusri taraf hai normative economics. Main ek statement diya aapko dhyan dena. Maine kaha it deals with how the economic problem actually solved. किसी अर्थव्यवस्था की समस्याओं का क्या सही निदान है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और वहीं दूसरी तरफ हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आउट टू बी सॉल्व और शुड बी सॉल्व, किसी समस्या का क्या क्या हल निकल सकता है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसे स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं. जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, और द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना, विश्व में सर्वाधिक आबादी का देश चाइना है. ये किसी व्यक्ति विशेष की धारणा नहीं है बच्चे, यह एक तथ्य है. इट इज अ फैक्ट विच कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डाटा. यह वह सच्चाई है बच्चे जिसे आप डाटा के बेसिस पर वेरीफाई कर सकते हैं. आजकल हम लोग तो गुरु हैं, गूगल महागुरु है बच्चे. और आप जैसे गूगल में टाइप करना शुरू करोगे, नेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सर्वाधिक आबादी का देश कौन सा है, गूगल आपको चाइना आंसर देगा. इसका मतलब वह फैक्ट जिसे हम सत्यापित कर सकें, जिसे हम वेरीफाई कर सकें. ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, ये मेरा सजेशन नहीं है कि चाइना में बहुत भीड़ है इसलिए चाइना विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश है. अ फैक्ट विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वेरीफाइड, इट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर एंड नॉट इंडिविजुअल्स ओपिनियन. सच टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव मतलब प्रूव्ड है, सर्टेन है, वेरीफाइड है. ये किसी व्यक्ति विशेष का धारणा नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है. वहीं दूसरी तरफ एक उदाहरण लेकर बच्चों में आपके सामने आते हैं. मैंने कहा आसमान में बादल है, देयर इज हेवी क्लाउड इन द स्काई. अब इस बादल को देखकर अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं. एक व्यक्ति कहता है इस बादल के बाद बारिश होगा ही होगा. वहीं दूसरी तरफ किसी व्यक्ति विशेष का यह धारणा है कि बिकॉज देयर इज ए हैवी विंड इन द एटमॉस्फेयर सो क्लाउड गेट अवे फ्रॉम द स्काई एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन. इस बादल को देखकर दो व्यक्ति दो धारणा लेकर आते हैं. एक व्यक्ति कहता है कि बारिश होगी ही होगी, और वहीं दूसरे व्यक्ति का अनुमान है कि तेज हवा के बादल उड़ जाएंगे और बारिश नहीं होगी. अगर इस तरह की धारणा का मैं अध्ययन करता हूं तो इसे मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता हूं बच्चे. साधारणतः ऐसा होगा, यानी यदि आसमान घने बादलों से ढका हुआ है तो साधारणतः यह ऐसा संभव है कि बारिश होगी, लेकिन यह सत्यापित नहीं है. इट इज नॉट वेरीफाइड कि वेन एवर देयर इज अ क्लाउड इन द स्काई इट मींस डेफिनेटली रेन. यानी अगर आसमान काले बादलों से ढका हुआ है तो यह सत्य नहीं है कि बारिश होगी ही होगी. इकोनॉमिक्स की यह धारणा जहां पर साधारणतः ऐसा होगा, इसे हम कहते हैं बच्चे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. मैं अब इसको एक इकोनॉमिक्स के मॉडल से जोड़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल था बच्चे आपको समझाने के लिए. लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए. अगर मेरा डिमांड कॉन्स्टेंट है, यानी मैं किसी वस्तु की निश्चित क्वांटिटी खरीदता हूं, वेन एवर देर इज ए राइज इन प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस. यानी कीमत बढ़ने के साथ यदि मेरा मांग स्थिर है तो मेरा व्यय मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ये फैक्ट है. एक एग्जांपल से इसको और समझो. मैं एक पेन 10 रुपए का खरीदता हूं और 10 पेन खरीदता हूं. मैंने कहा मैं एक पेन 10 रुपए का खरीदता हूं और 10 रुपए का 10 पेन खरीदता हूं, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर पी इंटू क्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी दैट इज 10 × 10 100 होगा. ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि 10 रुपए का 10 पेन खरीदा जा रहा है तो कुल पेन की कीमत 10 × 10 और कुल व्यय इस पे किया गया खर्च 100 रुपए होगा. अब कीमत बढ़ जाती है,
price increases. The moment price increases from rupees 10 to 12, जैसे ही कीमत 10 रुपए से 12 रुपए हो जाएगा और वह व्यक्ति अभी भी 10 पेन खरीद रहा है तो पेन पर उसका खर्च 12 × 10 120 रुपए हो जाएगा. दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट. इसका अर्थ हुआ बच्चे, कीमत के बढ़ने से मेरा खर्च बढ़ेगा ही बढ़ेगा बच्चों. अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, इसी उदाहरण को मैं आपको समझाता हूं. अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो गरीब आदमी क्या करेगा बच्चे? मान लो किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो एक गरीब आदमी का रिएक्शन इसके प्रति क्या होगा? अभी भी उसकी जरूरत 10 पेन की ही है बच्चों. उस गरीब व्यक्ति की जरूरत 10 पेन की है तो वो थोड़े कम कीमत का पेन खरीद लेगा. इसका अर्थ हुआ विथ राइज इन प्राइस डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल फॉर अ पुअर पर्सन. गरीब व्यक्ति के लिए कीमत बढ़ने के साथ ही या तो वस्तु की क्वालिटी में परिवर्तन आ जाएगा या उसके क्वांटिटी में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन अमीर आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों. प्राइस बढ़ने के बावजूद भी वो अभी भी उसी तरह के पेन की उतनी ही क्वांटिटी खरीदेगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त आय इनकम है. अर्थात कीमत के बढ़ने से गरीब आदमी का बिहेवियर क्वांटिटी का कम होना या क्वालिटी का चेंज होना है. तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्मली प्राइस के बढ़ने से गरीब व्यक्ति उस कमोडिटी की या तो मात्रा क्वांटिटी कम कर देगा या उसकी लोअर क्वालिटी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. वहीं दूसरी तरफ क्या होता है बच्चे, अमीर आदमी पर इस घटनाक्रम का कोई असर नहीं पड़ेगा. तो देखो बच्चे, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल हुआ. विथ राइज इन प्राइस डिमांड रिमेन सेम फॉर रिच पीपल, इट इज अ नॉर्मल ओपिनियन. विथ राइज इन प्राइस डिमांड फॉल फॉर पुअर पीपल, इट इज नॉर्मल ओपिनियन. सो व्हेन एनी इकोनॉमिक प्रोसेस इज एन ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल, वन कैन सजेस्ट इट. हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा. होगा क्या, ये बात का विषय है. लेकिन जब कोई घटनाक्रम किसी व्यक्ति विशेष की धारणा है, ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल, और इट कैन बी सजेस्टिव इन नेचर, सच टाइप ऑफ थिंग्स इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. एंड वहीं दूसरी तरफ जब कोई भी चीज 100% वेरीफाइड है, क्या कि प्राइस के बढ़ने से अगर मेरा डिमांड कांस्टेंट है तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो. इकोनॉमिक्स के इस तरह की धारणा को बच्चे हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं. बच्चों मैंने आपको दो एस्पेक्ट समझाने की कोशिश की. पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यह वो एस्पेक्ट है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं डाटा के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू, या किसी का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, ना ही यह किसी का सजेशन है, और इसमें कहे गए सभी तथ्य 100% सत्यापित हैं. इट मींस दे आर एक्चुअली फैक्ट्स एंड इट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डाटा. अपोजिट साइड, ठीक इसके विपरीत तरफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स लोगों का धारणा है. इट इज ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज ए सजेशन, या मेरा एक सुझाव है कि ऐसा होना चाहिए. और इसके लिए मैंने एग्जांपल टच किया था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी के राइज करने से अमीर आदमी के क्वांटिटी डिमांड पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कीमत के बढ़ने के बावजूद भी एक अमीर व्यक्ति उस वस्तु की मांग को कम नहीं करेगा. वहीं कीमत के बढ़ने पर एक गरीब व्यक्ति उस वस्तु की मांग को कम कर देगा. बच्चों ये दो एस्पेक्ट मैंने आपके साथ टच किया था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. यहां से आज के लेसन का मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चे, और नेम ऑफ द टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी का शाब्दिक अर्थ अवसर होता है और इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को लागत कहते हैं. तो इसे हिंदी में बच्चे हम कहेंगे अवसर लागत. देखो बच्चे, लाइफ में हमें कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन हम उसमें से कुछ चुन पाते हैं और कुछ हमें हालात या मजबूरी बस छोड़ना पड़ता है. तो इस कथन को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं.
एक व्यक्ति जिसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और उसने 3 एग्जाम लिखे हैं, ध्यान देना, an individual who has completed his graduation examination and given 3 examinations, one as a banker, उसने बैंक में क्लर्क का एग्जाम दिया है, दूसरा एज ए सेल्स मैनेजर और तीसरा एज ए टीचर इन ए प्राइवेट स्कूल। उस व्यक्ति ने 3 एग्जाम लिखे हैं, पहला बैंकर का, दूसरा सेल्स मैनेजर का और तीसरा किसी निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर का। उसको तीनों जगह से इंटरव्यू का कॉल आता है, तीनों जगह से वो इंटरव्यू देने जाता है और तीनों परीक्षाएं और इंटरव्यू वो क्लियर कर लेता है। अब उस व्यक्ति के पास 3 नौकरियां हैं, पहला एज ए क्लर्क इन अ बैंक जहां पर उसकी सैलरी 30,000 रुपए है, सेकंड सेल्स मैनेजर इन ए पब्लिक कंपनी जहां उसकी तनख्वाह 35,000 रुपए है, द सैलरी ऑफ इंडिविजुअल इन दैट पर्टिकुलर कंपनी इज 35,000, एंड लास्ट टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल जहां उसकी सैलरी 25,000 रुपए है। अर्थात उस व्यक्ति के पास अभी 3 अवसर हैं, पहला वह बैंक में क्लर्क बनता है जहां उसे 30,000 तनख्वाह मिलेगी, दूसरा वो किसी प्राइवेट फर्म्स में सेल्स मैनेजर बनने का फैसला करता है, उसे 35,000 तनख्वाह मिलेगी और तीसरा वो शिक्षक बनता है जहां उसे 25,000 तनख्वाह मिलेगी। लेकिन यह सत्य है, इट इज फैक्ट दैट ही कैन नॉट ऑप्ट ऑन द 3 जॉब्स, वो तीनों जॉब का चयन नहीं कर सकता है, यानी उसके पास 3 अवसर है और वो इसमें से किसी एक को चुनेगा। यहां से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन तैयार होता है और फिर इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करके समझाऊंगा कि अगर वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इट इज वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, इट इज वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। 3 अवसरों में से उसने डिसाइड किया कि वो क्लर्क बनना चाहता है। क्लर्क बनने का मतलब है उस व्यक्ति को 30,000 की तनख्वाह मिलेगी और उसने 2 ऑप्शन छोड़ दिए, एक टीचर के 25,000 की तनख्वाह और एक सेल्स मैनेजर के 35,000 की तनख्वाह। तो 25,000 और 35,000 में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट इज 35,000 सैलरी ऑफ द सेल्स मैनेजर, इट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर डेफिनेशन से इसको लिंक जोड़ो, इट इज वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। उस व्यक्ति ने 3 अवसरों में से चुना और 2 अवसर उसने परित्याग कर दिए, 2 अवसर उसने छोड़ा। Produces wheat in that particular field, and the second option available with him is production of opium in that very same field. Or second option उसके पास ये भी है कि उस खेत से वो opium grow करता है। Opium grow करने का मतलब है या एक दवाई के लिए नशीली पदार्थ होती है, हिंदी में इसे अफीम कहते हैं। यदि वह व्यक्ति उस खेत से 1 साल तक गेहूं का प्रोडक्शन करता है, he earns इनकम ऑफ 3 lakhs, फ्रॉम 1 एकड़ ऑफ लैंड ही अर्न्स इनकम ऑफ रुपीज 3 lakh, बट इफ ही प्रोड्यूसेस ओपिनियन, इफ ही प्रोड्यूसेस ओपियम फ्रॉम द सेम क्रॉप फील्ड, देन ही विल अर्न 4 lakh फ्रॉम दैट फील्ड। यानी गेहूं की खेती करने से उस खेत से उसे 3 lakh रुपए मिलते हैं और यदि वो अफीम की खेती करता है तो उसी खेत से वो 4 lakh रुपए कमा सकता है। अब किसान के पास फिर से 2 ऑप्शन, गेहूं का प्रोडक्शन और
किसान क्या करता है, वो गेहूं प्रोड्यूस करेगा। इस सिचुएशन में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 लाख रुपया होता है, यानी उसके पास दो अवसर थे, गेहूं 3 लाख रुपए की कमाई, ओपियम 4 लाख की कमाई। किसान ने फैसला किया ही प्रोड्यूसेस व्हीट फ्रॉम हिज क्रॉप फील्ड। इन सच सिचुएशन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फार्मर इज 4 लाख, बिकॉज द डेफिनेशन सेज इट इज वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। ही फॉरगोन प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इन विच ही अर्न्स 4 लाख, सो 4 लाख बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ही ऑप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हुज कॉस्ट इज 3 लाख रुपीज। अर्थात हमारे पास दिए गए विकल्प में से एक विकल्प को मैं चुनता हूँ, जो विकल्प बच जाते हैं उसमें से जिस विकल्प का सबसे बड़ा मान है उसे हम लोग अवसर लागत कहते हैं। दिस इज रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां से बच्चों मैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इस टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। देखो बच्चे, हमने पढ़ा था रिसोर्सेस आर स्कैर्स और लिमिटेड, एट द सेम टाइम वांट्स आर अनलिमिटेड। सो आई लाइक टू कनेक्ट दिस एस्पेक्ट विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आप इस उदाहरण से इस चीजों को समझने का प्रयास करो बच्चे। मान लो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक उद्यमी हो, और आपके पास कुछ रिसोर्सेस हैं, कुछ संसाधन हैं, तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आएगा। मैंने कहा आपके पास कुछ निश्चित संसाधन है और आप चाहते हो उस संसाधन से किसी वस्तु का या सेवा का निर्माण करना, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आएगा। दैट इज फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं। देखो बेटा, मेरे पास 20 रुपए हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और मेरा मन दिवाली के समय बम बनाने का करता है। मेरे पास केवल 20 रुपए हैं और मेरा मन दिवाली के समय बम और पटाखे बनाने का करता है, तो क्या 20 रुपए से यह बम और पटाखा बनाना संभव है। हाँ बिल्कुल संभव है बच्चे। हमें चयन इस प्रकार से करना पड़ेगा कि 20 रुपए में किस तरह के बम और पटाखे बनाए जाएं। तो बच्चे मैं अपने छोटे बेटे को देखता हूं, एक बहुत छोटा सा पटाखा होता है, इसको पॉपअप कहते हैं, जिसे वो जमीन पर गिराता है और एक हल्की सी आवाज होती है जिससे वो बहुत खुश होता है। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़े लूंगा, उसमें बहुत थोड़े से बारूद डाल दूंगा और उसे बांध दूंगा, और जब उसे जमीन पर धीरे से गिराऊंगा तो वो फूटेगा। अर्थात मैं लिमिटेड रिसोर्स के कारण बहुत छोटे स्तर पर बहुत छोटा सा पटाखा बनाऊंगा। अब यहीं पर मेरे पास 2 लाख रुपया है और मुझे कोई क्रैकर बनाने की जरूरत है। इस अवस्था में देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों एक बहुत बड़ा बम बनाने का प्रयास करूंगा और इस बम में 3 इफेक्ट्स डालने की कोशिश करूंगा, यानी मैं कह रहा हूं 3 इफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर क्रैकर। जब वो बम में मैं आग लगाऊंगा और ये बम आसमान की तरफ जाएगा, तो पहले वो हल्की सी रोशनी देता हुआ ऊपर तेजी से बढ़ेगा। जब वो आसमान में थोड़ी दूर पहुंच जाएगा, वहां उसका सेकेंड इफेक्ट काम में आएगा और वो एक धम की आवाज करेगा, पटाखे फूट जाएंगे, और फूटने के बाद वो आसमान में लिखता है हैप्पी दिवाली। अर्थात बम के अंदर 3 इफेक्ट्स हैं, पहले लाइट इफेक्ट, देन साउंड इफेक्ट, और उसके बाद विजुलाइजेशन इफेक्ट। अर्थात यदि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मैं मशीन की मदद से कोई बड़ा बम और पटाखा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, सीमित साधन है बच्चे, तो मैं पॉपअप बनाने का प्रयास करूंगा, या कुछ बच्चे उसको फूक बम का नाम देते हैं, जिसे दीवार पर अगर मैं मारता हूं तो एक हल्की सी आवाज आती है। इसका मतलब है व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं। साधन तय करेगा कि आप क्या बनाएंगे, सिर्फ यही नहीं तय करता है कि आप क्या बनाएंगे, साथ में यह भी तय करता है कि आप उस वस्तु की कितनी मात्रा बनाएंगे। सो फर्स्ट
aspect of central problem of economics is what to produce, हम क्या बनाएं, और इसके भी दो पहलू हैं, selection of commodity, हम किस तरह की वस्तु का निर्माण करने जा रहे हैं, and second aspect is in what quantity, सिर्फ मुझे यह नहीं तय करना है कि हम कितनी वस्तुएं बनाएंगे, हमें यह भी तय करना है कि उस वस्तु की हम कितनी मात्रा बनाएंगे। अब मैं इन दो पहलुओं को विस्तार से समझाता हूं। जैसे मेरे पास रिसोर्सेस हैं और मैंने तय किया कि मुझे उससे दो तरह की वस्तु बनानी है, पहला कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले इन दो पहलुओं को हम समझेंगे कि व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट इज कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच सेटिस्फाई आवर वांट डायरेक्टली, वह वस्तुएं जो किसी व्यक्ति के इच्छा को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण कर देती है उसे हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रेड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फल सब्जियां। ये हमारी जरूरत को डायरेक्टली फुलफिल करती होती है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट इनडायरेक्टली। आपके घर में बच्चों फ्रिज है, फ्रिज आपके वांट को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चे वो सब्जी को ठंडा रखता है, अगले दिन तक बचाकर चलने में आपकी मदद करता है, और आप फ्रिज का सीधा उपभोग नहीं करते हैं लेकिन फ्रिज के अंदर जो फल और सब्जियां हैं उसको आप सीधा खा लेते हैं। इन फल और सब्जियों को जो आप सीधा खा रहे हो बच्चे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स। वहीं फ्रिज उस फल और सब्जी को लंबे समय तक स्टोर करने में आपकी मदद करता है, सो दैट फ्रिज इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। सबसे पहले मुझे ये अंतर समझने की जरूरत है कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स एक ऐसा गुड्स है जो आपकी वांट को डायरेक्टली सीधे रूप से सेटिस्फाई करता है। वहीं कैपिटल गुड्स इस तरह के गुड्स होते हैं जो आपके वांट को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। बच्चे मैं फिर उदाहरण देता हूं, फ्रिज के अंदर उपलब्ध फल और सब्जियां कंज्यूमर गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां से खीरा निकालते हो, सीधा खा लेते हो, सेब निकालते हो, उसको काटते हो, सीधा खा लेते हो। लेकिन फ्रिज को हम सीधा नहीं अपने अंदर ले लेते हैं बच्चों, हम फ्रिज में उन फल और सब्जियों को लंबे समय तक रखते हैं, अर्थात वो फ्रिज एक कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स को हम मशीन से रिलेट कर सकते हैं बच्चे। अर्थात फिर एक एग्जांपल समझाता हूं, जूसर के मिक्सर और उसके अंदर डालने वाला फल। जूसर मिक्सर हेल्प्स यू टू कन्वर्ट दैट फ्रूट इनटू जूस। सो फ्रूट एंड जूस आर द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एट द सेम टाइम द मिक्सर जूसर दैट कन्वर्ट fruit and fruit particles into juice is an example of capital goods. तो एक और उदाहरण लेकर आते हैं बच्चे आपके सामने consumer goods और capital goods को समझाने के लिए। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, second hand photocopier 8,000 रुपए का आता है और register 100 रुपए का आता है। यानी बच्चों मेरे पास केवल 10,000 रुपए resource है। उस 10,000 रुपए के resource में से मैंने दो goods लिए, एक consumer goods that is register और दूसरा फोटोकॉपियर। इसको आप बड़े आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सभी बच्चे रजिस्टर यूज करते हैं, डायरेक्टली वो आपके नीड को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब हम फोटोकॉपियर के दुकान पर जाते हैं बच्चे, वहां एक मशीन होता है, उस मशीन पर हम कोई पेज कॉपी कर देते हैं और उस मशीन के माध्यम से उस पेज की प्रतिलिपि फोटोस्टेट आपके पास आती है। मशीन नहीं आता है बच्चे, उस पेज का फोटोस्टेट कॉपी आपके पास आता है। इसका मतलब मशीन उस पेज से फोटोकॉपी निकालने में आपकी मदद कर रहा है, अर्थात वो फोटोकॉपियर जो है बच्चे वो कैपिटल गुड्स है और रजिस्टर जिस पर आप सीधा लिख देते हो बच्चे वो कंज्यूमर गुड्स है। तो फिर मेरे उदाहरण पर चले ऑल आउट कर बच्चों, मैंने कहा मेरे पास 10,000 रुपए हैं और फोटोकॉपियर सेकंड हैंड 8,000 रुपए का आता है और एक रजिस्टर 100 रुपए का है। मुझे 10,000 रुपए से ये दोनों गुड्स प्रोड्यूस करना है। मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड विद द लिमिटेड रिसोर्स। So in this case, the limited resources is 10,000 rupees and the goods that is selected by the producer are two goods. The one is consumer goods, that is a register, which costs 100 rupees. And the second is a photocopier machine, which costs 8,000 rupees. So dekho bachche, wo 10,000 rupees se kya karega? Wo 10,000 rupees se ek photocopier khareed lega aur uska 10,000 mein se 8,000 rupees khatm ho jayega. Ab uske paas kebal 2,000 rupees bache hain. इससे चाह कर भी वो दूसरा फोटोकॉपियर नहीं खरीद सकता है। तो अब
वो कंज्यूमर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और अभी मैंने कहा एक कंज्यूमर गुड्स 100 रुपए का है कॉपी, अर्थात 2000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे और वो 20 रजिस्टर खरीद लेगा। अर्थ ये निकला बच्चे कि मैं अपने 10000 रुपए से दो तरह की वस्तुओं का निर्माण कर रहा हूं, पहला फोटोकॉपियर, दैट इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स, एंड द सेकंड इज रजिस्टर, दैट इज एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सो विद द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ 10,000 रुपीज ही प्रोड्यूसेस 20 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 100, दैट बिकम्स 2000, एंड वन फोटोकॉपियर एट द रेट ऑफ 8,000 रुपीज, इट बिकम्स 8,000। सो 2000 एंड 8,000 टोटल बिकम्स 10,000। ही एलोकेटेड हिज लिमिटेड रिसोर्स ऑफ 10,000 इन द प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज, द वन इज कंज्यूमर गुड्स दैट इज रजिस्टर, एंड द सेकेंड इज कैपिटल गुड्स दैट इज अ फोटोकॉपियर मशीन। तो मैंने कहा था इसके दो पहलू हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस। सो द टू सिलेक्शन ही मेड, वन इज रजिस्टर एंड द सेकेंड इज फोटोकॉपियर मशीन। रजिस्टर इज एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड फोटोकॉपियर मशीन इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स। एंड द सेकेंड एस्पेक्ट दैट आई डिस्कस्ड इज इन व्हाट क्वांटिटी। सो फ्रॉम हिज लिमिटेड रिसोर्सेज ही प्रोड्यूसेस 20 यूनिट्स ऑफ रजिस्टर। सो दिस 20 यूनिट्स इज द क्वांटिटी एंड वन फोटोकॉपियर। सो आउट ऑफ 10,000 रुपीज ही प्रोड्यूसेस 20 यूनिट्स ऑफ रजिस्टर, दैट इज कंज्यूमर गुड्स, एंड वन यूनिट ऑफ फोटोकॉपियर, दैट इज कैपिटल गुड्स। सो फर्स्ट एस्पेक्ट आई एम अगेन टेलिंग यू, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस एस्पेक्ट हैज टू सब एस्पेक्ट्स, इसके दो और पहलू हैं, सेलेक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड, एंड द सेकेंड इज इन व्हाट क्वांटिटी दीज गुड्स एंड कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। व्हेन यू बाइफर्केट द गुड्स, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली, एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स इनडायरेक्टली। सो इन माई एग्जाम्पल विद द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ 10,000 रुपीज, द प्रोड्यूसर ऑप्ट फॉर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, द वन इज रजिस्टर विच इज कंज्यूमर गुड्स, एंड द सेकेंड वन इज फोटोकॉपियर विच इज कैपिटल गुड्स। ही प्रोड्यूसेस 20 यूनिट्स ऑफ रजिस्टर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, दैट बिकम्स 2000, एंड वन यूनिट ऑफ फोटोकॉपियर एट द रेट ऑफ 8000, सो टोटल 2000 एंड 8000 बिकम्स 10,000। बच्चे अगर आप कहीं कहीं इसको और भी देखेंगे तो कंज्यूमर गुड्स को कुछ किताब में या कहीं कहीं सिविल गुड्स का नाम दिया जाता है, और वहीं कैपिटल गुड्स को हम लोग वार गुड्स भी कहते हैं। बच्चों तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड इन एन इकोनॉमी बाय अ प्रोड्यूसर इज प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स, एंड प्रोडक्शन ऑफ गन एंड टैंक बाय अ प्रोड्यूसर इज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। सो विद दिस द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट दैट व्हाट टू प्रोड्यूस इज ओवर। फ्रॉम हियर बच्चों जब मैंने चुन लिया कि मैं क्या बनाऊं, तो इसके बाद दूसरा थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आएगा कि मैं उस वस्तु का निर्माण किस प्रकार से करूं। सो सेकंड एस्पेक्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। मैंने कहा पहले मैंने किया व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं के बाद जब मैंने तय कर लिया कि मैं ए और बी वस्तु बनाने जा रहा हूं, उसकी इतनी इतनी मात्रा बनाने जा रहा हूं, तो फिर मेरे दिमाग में अगला ख्याल आता है कि मैं इसको कैसे बनाऊं। मैं आपको एक एग्जांपल से फिर समझाता हूं। मैं एक छोटा कुम्हार हूं जो अर्थ मिट्टी के मदद से घरे दिए और गमला बनाता है, और वहीं मैं एक बहुत बड़ा पीओपी का मैन्युफैक्चरर हूं जो पीओपी और मशीन के द्वारा बड़े बड़े गमले, बड़े अर्थन लैंप और बड़े पॉट्स बनाता है। अर्थात इसके भी दो पहलू होते हैं बच्चे। जब आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो पहला एस्पेक्ट निकल कर आता है लेबर इंटेंसिव, श्रम प्रधान, और दूसरा पहलू निकल कर आता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है पूंजी प्रधान। अर्थात हम बच्चे यह देखते होते हैं कि मेरे पास पैसा अधिक है या मेरे पास मजदूरी और श्रम अधिक है। यदि मेरे पास लेबर की संख्या ज्यादा है और पूंजी कम है, यानी मोर ऑफ अ लेबर एंड लेस ऑफ अ कैपिटल, इन सच सिचुएशन वी ऑप्ट फॉर लेबर इंटेंसिव।
भारत जैसे देश के लिए बच्चे लेबर इंटेंसिव बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और कैपिटल की अभाव है. एग्रीकल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया इन विच यू सी मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन ए स्मॉल क्रॉप फील्ड. एक छोटे से खेत पर कई लोग काम करते होते हैं, अर्थात मजदूरों की संख्या ज्यादा है और वहीं उसमें पूंजी लगाया गया कम है. इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव. सो आई डिफाइन द वर्ड लेबर इंटेंसिव, द सिचुएशन इन विच देयर इज अ मोर नंबर ऑफ लेबर एंड लेस नंबर और लेस क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव. इस एग्जाम्पल को मैं अब चेंज करके बताता हूँ. मैं कनाडा की खेती की बात करता हूँ बच्चे, जहाँ बड़े बड़े उपकरण बड़े मशीन के द्वारा खेती की जाती है और वहां पर लेबर की संख्या कम है. अर्थात डेवलप्ड कंट्री विस्तृत देश जो है, विकासशील देश से जो ऊपर है, विकसित देश की बात कर रहा हूं मैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, विच मीन्स मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर. जहां पर पैसे का उपयोग अधिक किया जाए और व्यक्ति विशेष का उपयोग कम किया जाए, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं बच्चे कैपिटल इंटेंसिव. आई डिफाइन द टर्म द सिचुएशन इन विच देयर इज अ मोर नंबर और मोर यूनिट्स ऑफ कैपिटल इज एम्प्लॉयड एंड लेस यूनिट्स ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड. सच सिचुएशन इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव. देखो बच्चे, मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स तीन होते हैं बच्चे. मैंने पहला आपके साथ टच किया था व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर मैंने कहा उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. सेकंड एस्पेक्ट मैंने टच किया हाउ टू प्रोड्यूस. जब मैंने ये तय कर लिया बच्चों कि मुझे कितना बनाना है, तो फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया कि उस वस्तु का निर्माण किस पद्धति के द्वारा, हाउ दैट पर्टिकुलर गुड्स और कमोडिटी will be produced. Then comes how to produce. And it has again two aspects. The first is labor intensive, where use of more manpower and less capital. And the second is capital intensive, which is just opposite to labor intensive. Use of more capital and less manpower is called capital intensive. यहाँ से centrally planned जो मैं process पढ़ रहा था problems of central इकोनॉमिक्स, उसके अंदर तीसरा पहलू आता है बच्चों, और ये थर्ड एस्पेक्ट है फॉर हूम टू प्रोड्यूस. आप जो ये वस्तु बनाने जा रहे हैं बच्चे, वो किसके लिए बनाने जा रहे हैं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, और अब ये आखिरी एस्पेक्ट है किसके लिए बनाएं. जब हम कमोडिटी में कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो हम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए उसका प्रोडक्शन करते हैं. अर्थात जब मैं कोई सामान बनाता होता हूं, तो मेरे दिमाग के पीछे एक धारणा चलती रहती है कि यह सामान अमीर व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाएगा या गरीब व्यक्ति के द्वारा. सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल फॉर हूम द गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज द थर्ड एस्पेक्ट फॉर हूम टू प्रोड्यूस. देखो बच्चे, आप ध्यान देंगे, मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, किस व्यक्ति के लिए आप सामान बना रहे हैं. जब मैंने आपके साथ अपने बम वाला एग्जाम्पल विद पॉपअप के साथ शेयर किया था, तो सीधी सी बात है बच्चे, जो पॉपअप है वो गरीब बच्चा खरीदेगा या छोटे तबके के लोग खरीदेंगे, और वो जो सोफिस्टिकेटेड बम था वो अमीर लोग खरीदेंगे. अर्थात जब मैं वस्तु का निर्माण करता होता हूँ, तो वह निर्माण या तो मैं गरीब तबके के लिए करता हूँ या मैं उसे अमीर तबके के लिए करता हूँ. सो फॉर हूम टू प्रोड्यूस, in which we take decision regarding which section of society we are targeting. मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं. मैं एक सर्फ की कंपनी हूं. मैं कुछ सर्फ 5 किलो के पैकेट का बनाता हूं, कुछ 2 किलो का, और कुछ छोटे सर्फ केवल 10 रुपए के पैकेट का बनाता हूं. तो इसका क्लियर कट मतलब निकल रहा है बच्चे, जहां पर मैं 5 किलो, 2 किलो और 1 किलो सर्फ की पैकेट बना रहा हूं, वो जरूर मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप के लिए होगा, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है. और जब मैं 10 रुपए की पैकेट का सर बना रहा होता हूं, तो यह समाज का छोटा तबका, निम्न वर्ग, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी खरीदेगा, जिसके पास एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 500 रुपए के सर खरीदने का पैसा नहीं होता है. वो 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक बार कपड़े धोने के लिए 10 रुपए का सर खरीदता है और उसको यूज करता है. इट मीन्स व्हेन आई प्रोड्यूस गुड्स,
I will produce goods for two sections of people. The first one is richer section and the second one is poorer section. Now for whom to produce has again two aspects. इसके भी दो पहलू हैं और इसका पहला पहलू है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा पहलू है फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करूंगा पहले पहलू की, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस सेक्शन हाउ द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ग्रुप ऑफ पीपल। देश की आय समाज के वर्गों में किस तरह से वितरित की जाती है, इसका स्टडी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मैं फिर आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चे। मैं एक छोटे से फैक्ट्री का ओनर हूं जहां पर 20 मजदूर काम करते हैं और मैं उस फैक्ट्री से महीने में 1.5 लाख रुपया अर्न करता हूं। हर मजदूर की तनख्वाह 5,000 रुपये है, तो 20 मजदूर इंटू 5,000 रुपये, 1 लाख रुपया मैंने मजदूरों में बांट दिया और 50,000 रुपया मैंने खुद के लिए रख लिया। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग ग्रुप ऑफ पीपल। मेरे फैक्ट्री से 30 लोग जुड़े हुए थे, 20 मजदूर और एक ओनर। जब मैंने 1.5 लाख रुपए अर्न किया तो मैंने 200 मजदूर को 5,000 रुपए के हिसाब से वेतनमान दे दिया, सैलरी दे दी, और 1 लाख रुपया मैंने गरीब वर्ग में बांट दिया और 50,000 रुपया एज एंटरप्रेन्योर और ओनर ऑफ द फर्म मैंने अपने पास रख लिया। सो अ नेशनल इनकम ऑफ 1.5 लाख रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, 20 poorer people with 5,000 rupees each and one entrepreneur owner of the firm who gets 50,000. So first aspect deals with personal distribution, जिसमें देश के आय का बंटवारा समाज के वर्गों में होता है। The first one is distribution among poor people and the second one is among rich. इसका दूसरा पहलू है factorial distribution. जब कभी भी किसी भी वस्तु और सेवा का निर्माण होता है तो उसके लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर 4 थिंग्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम उत्पादन के कारक कहते हैं, अर्थात इसके द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। अब जिन जिन लोगों के द्वारा यह कारक उत्पादन प्रक्रिया में लगाया जाता है वह इसके बदले में कुछ चाहते हैं। अगर मैं कहीं पर लेबर हूं तो मुझे लेबर के बदले वेज चाहिए, अपना श्रमिक चाहिए। इट मींस द पर्सन हु कंट्रीब्यूट एज अ लेबर वांट्स वेज फॉर दैट, सो लेबर गेट कन्वर्टेड इनटू वेज। द पर्सन हु हैज गिवन लैंड फॉर द प्रोडक्शन, जिस व्यक्ति ने अपनी भूमि दी है उत्पादन के लिए, उसे उस लैंड का किराया चाहिए। तो बच्चे लैंड के बदले रेंट चाहिए होता है, लेबर के बदले वेज चाहिए होता है। नेक्स्ट इज कैपिटल। जिस व्यक्ति ने अपनी पूंजी उत्पादन में लगाई है उसे अपने उस पूंजी पर ब्याज चाहिए होगा, तो कैपिटल के बदले इंसान को इंटरेस्ट चाहिए होता है। और एक व्यक्ति जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है वो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर को अपने उद्यम और समय का प्रॉफिट चाहिए होता है। इट मींस द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इज गेट कन्वर्टेड इनटू 4 थिंग्स, दैट इज वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो आई लाइक टू सम अप विद दिस थिंग कि जो व्यक्ति लैंड देता है उसको उसके बदले रेंट चाहिए होता है, लेबर को अपने श्रम के बदले वेज चाहिए होता है, एंटरप्रेन्योर को अपने ब्रेन और टाइम के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है, और कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है। मैं एक फन के साथ क्लास खत्म करने जा रहा हूँ बच्चे। मैंने कहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ललकी हैं, LLKE है, तो वर्ल्ड रेस्ट इन पीस याद करने का ट्रिक है, वर्ल्ड रेस्ट इन पीस। W फॉर वेज, R फॉर रेंट, I फॉर इंटरेस्ट एंड P फॉर प्रॉफिट। बच्चों आज का क्लास मैं यही खत्म कर रहा हूँ बच्चे। मैं ये चाहता हूँ कि आप घर में रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग यूज करें और बहुत जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाए और हम लोग फिर ऑफलाइन मोड में आ जाए। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अब आप मोस्ट वेलकम है। आपका स्वागत है बच्चे। आने वाले 4-5 मिनट तक मैं आपके डाउट को लेकर आऊंगा और चाहूंगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन से आपकी वो डाउट क्लियर हो जाए। मोस्ट वेलकम बच्चों।
ठीक है बच्चों, हम आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग मंडे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।